आदिवासी सोसाइटी वालों ने बुला के मेरा स्वागत किया है, मैं उनका सबका आभारी हूँ। थैंक्स, बहुत अच्छी तरह प्रोग्राम किया है। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा अल इमदादी वेलफेयर सोसाइटी के तरफ से कपिंग थेरेपी का प्रोग्राम रखे थे और इसको जो है उर्दू में हिजामा कहलाते हैं। और हम हमारे जो भी जो कार्यकर्ता वगैरह जो भी है और पब्लिक का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे को बहुत अच्छी तरह से साथ दिए और आइंदा जो है हमारे ऐसे ही प्रोग्राम चलते रहेंगे। और आपसे सबको है कि नहीं रिक्वेस्ट है कि आप जो है इसका फ़ायदा उठा लेना और हमारा अभी प्रोग्राम इसके बाद में जो है लगातार चालू रहेगा क्या, और हमारे को सब लोग जरा पूरा है कि नहीं साथ दे के इसको हमारे को कामयाब करो। फैज सौदागर, प्रेसिडेंट अल इमदादी। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है कैंप में जो हिजाब का जो प्रोग्राम चला है, ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज वाला है अल इमदादी सोसाइटी की तरफ से और तमाम उनके मेम्बरान के तरफ से, और सभी पूरे कैंप को हर एक गौर गरीब को हर एक लोग को फ्री ट्रीटमेंट इधर किया गया है अल इमदादी की तरफ से। इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि सोसाइटी जो है और तरक्की करते जाएंगे और इससे आगे इससे एक से एक प्रोग्राम्स और गौर गरीब के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत और उनके बारे में हर चीज़ गौर गरीब के बारे में इनका ताउन होता है, हर इसमें ताउन होता है, रमज़ान में वगैरह मेडिसिन्स में हर तरीके से इन सोसाइटी जो है गौर गरीब को ताउन देती है। हमारी दुआ है अल्लाह ताला से कि सोसाइटी को अच्छे से अच्छे और रिस्पांस मिलन दे और सोसाइटी जो है सर्कुलर सोसाइटी है, तमाम लोगों को लेके कोई जात बात नहीं है, सब को लेके चलती है क्या। इसी तरह हम सब की दुआ है कि आगे से आगे निकल जाएंगे, हाँ खिदमत का मौका दो ताकि आपका साथ रहना सोसाइटी को ये बहुत बड़ा है। इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि और भी आगे चल के और भी नए नए प्रोग्राम सोसाइटी लाने वाली है, सबकी दुआ सबके साथ के वजह से चलने वाली सोसाइटी है। अल्लाह के फजल करम से हमारी अल इमदादी एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी 2018 में स्टार्ट हुई थी। हमारी सोच सिर्फ एजुकेशन के पर्पज़ पे था, लेकिन बाद में हम जैसे बैठते थे मशवरा करते थे तो हमारा उसके बाद में मेडिकल कैंप करने का शुरू किए, ब्लड डोनेशन भी करते थे। और आज जो है कि नहीं 26 फरवरी 2023 में हम लोग फ्री हिजामा कैंप रखे हैं। इसमें सब तरह के लोग हैं, हमारे सब जितने भी हिंदुस्तान के हम जो चाहते थे भारत के हमारी तहजीब है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके लिए। और हमारी सोसाइटी का सोच यही रहती है कि हम लोग जो है कि नहीं सबको मिलजुल कर ले कर चले और हमारी खिदमात जो है कि नहीं सबकी तरफ सब तक पहुँचे, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो सिख ईसाई हो, सब हमारे भारत की देश की जो है एकता इसी में है कि हम लोग सब मिलजुल कर जो है ना चलेंगे और रहेंगे।